राजस्थान रोडवेज में सातवें वेतन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया भुगतान, समय पर वेतन और पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर कोटा में कर्मचारी नए बस स्टैंड से एक घंटे तक अर्धनग्न प्रदर्शन करके विरोध जताया। यात्रियों को परेशानी न हो इसलिए प्रदर्शन के दौरान बसों के परिचालन को निर्बाध रखा गया। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा और राजस्थान स्टेट रोडवेज कर्मचारी यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों की अगुवाई में किए गए प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों को लेकर सुनवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन तेज करेंगे। आज हमारे 6 अगस्त को अर्धनग्न प्रदर्शन 1 घंटे का 1 बजे से 2 बजे तक संजयनगर स्टैंड पर रहा। इसमें प्रमुख मांगे हमारी 7th पे कमीशन जो आज तक नहीं लगा, सब डिपार्टमेंट लग चुके हैं। उसके बाद 2016 से जुलाई 2016 से रिटायरमेंट वालों के पर लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। महंगाई भत्ते का अभी तक नहीं दिया गया, 2 महीने से तनख्वाह पेंडिंग पड़ी है जो अभी तक नहीं दी गई, और अन्य मांगे हैं जो जैसे नाइट अलाउंस, डीए का भुगतान, और इन मांगों को लेके आज हमने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कोटा संजय नगर बस स्टैंड पर 102 बजे तक अर्धनग्न प्रदर्शन किया, जिसमें सरकार के खिलाफ इन मांगों को रखा कि भाई ये मांगे जल्दी जल्दी पूरी करी जाए, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन किया जाए। हमारा आज अर्धनग्न का विरोध प्रदर्शन था, उसमें हमारी 3 महीने से वेतन, रिटायरमेंट एसोसिएशन का पेंशन, इसके विरोध में हमारा आज प्रदर्शन था अर्धनग्न का 1 घंटे का।